पी एस एल में मेरा ख्याल है जो हमने इस दफ़ा प्लानिंग की थी और ड्राफ्ट से पहले एज़ पर प्लान ही हमने पिक किए हैं और बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा जो टीम जो है वो ना सिर्फ फाइनल में पहुंचेगी बल्कि ट्रॉफी भी उठाएगी। सो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़। देखें ऐसा तो नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, उनको हमने पिक किया था। दूसरा हमारा अपना एक टैलेंट हंट का आपको पता है प्रोग्राम है प्लेयर डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम सारा साल जो है उन एक्टिविटीज़ करते हैं और प्लस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको ट्रेन भी करते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों के लिए होती है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने क्रिकेट ना खेली हो। सो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है हम उसको सपोर्ट करते हैं और फिर ना सिर्फ उसको पूरी तरह अपने साथ रखते हैं बल्कि आपके हारिस रऊफ की शक्ल में आपने देखा कि पाकिस्तान को एक दरक्षा सितारा भी मिलता है। सो तो भाई कैसे देखते हैं राशिद खान को, आप लोगों ने उनके पीछे में है सारी कम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे थे और क्या राशिद खान पूरे मैचेस के लिए दस्तियाब होंगे या कुछ मैचेस के लिए? राशिद खान की अवेलेबिलिटी जो है शुरू में शायद नहीं है बट पहले 4-5 मैच उसके बाद वो होंगे और आपको पता है कि दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर हैं और कोई भी ड्राफ्ट जिसमें राशिद हों और वो पहले 2-3 बारी में पिक ना हो ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह का टैलेंट है और जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है उसको वो बहुत अच्छी तरह सूट करते हैं। अफसोस ही तो नहीं होता कलंदर्स को आपको पता है, बट ये है कि ऑब्वियसली हमारे लास्ट ईयर वो हमारे साथ थे और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन चूँकि आपने 8 ही जो है वो रिटेन करने होते हैं सो इस वजह से अगर ग्लेन होते तो हमारे लिए चॉइस मुश्किल हो जाती। आतर भाई टीम तो फाइनल हो गई, अब PSL 6 में लाहौर कलंदर्स को कहाँ पे रेट कर रही है? देखें आपके सामने ये टीम आपने देखा बड़ी बैलेंस टीम है और जो मोमेंटम हमने लास्ट ईयर जो कैरी कर रहे थे हम मोमेंटम इंशाल्लाह उसी मोमेंटम के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और पहला PSL जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। Thank you. I keep myself really fit. I keep myself right on my toes. तो उधर से मुझे शुरू हुआ और फिर उधर से मैंने एम किया।